हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पावा। आलू पावा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, आइए देखते हैं। मैंने दो कटोरी पवे को अच्छे से धो के छन्नी में रख दिया है। फिर एक कटा हुआ कच्चा आलू, एक प्याज, कैप्सिकम, हरी मिर्च, करी पत्ता, मूंगफली फ्राई किया हुआ मूंगफली, अदरक का पेस्ट और ये मसाले। तेल गरम हो चुका है, मैंने 2 चम्मच तेल रिफाइंड ऑयल लिया है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा जीरा, सरसों, अभी हम मिक्स कर देंगे। अब 2 मिनट उसको हम ढक देंगे। चलो हम अब देखते हैं आलू। अब हाँ, आलू पक गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये, मैंने हरी मिर्च डाल दी, एक कैप्सिकम भी डाल देते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। मैं साथ ही प्याज डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम और 2 मिनट उसको ढक देंगे। अभी हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी डालेंगे हम और 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे, और धनिया पाउडर। अभी हम मिक्स कर देंगे। ये मूंगफली भी डाल देते हैं। और उसको 2 मिनट फिर ढक्कन से ढक देंगे ताकि पूरे अच्छे से मसाले मिक्स हो जाए। ये देखते हैं, अब ये रेडी हो चुका है। अब उसके अंदर मैं 1/2 नींबू का रस डाल दूंगी और फिर वापस मिक्स कर दूंगी। अभी ये जो पवा है हम उसके अंदर डाल देंगे, कढ़ाई के अंदर। और मैं थोड़ा सा पानी का छिड़काव करूंगी, उससे क्या होता है ना, जो पवे है ना अच्छे से सॉफ्ट रहेंगे एकदम। अभी फिर से मैं मिक्स कर दूंगी। अब 2-3 मिनट इसको ढक्कन से ढक देंगे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद। हाँ, अब ये हमारे आलू पवा रेडी हो चुका है। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। फिर हम गैस बंद कर देंगे। अभी मैंने प्लेट में आलू पवा को निकाल दिया है और धनिया से मैं गार्निश कर देती हूँ
अच्छे से। अब ये खाने के लिए रेडी है। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।